इस वीडियो को सिर्फ वही लोग देखेंगे जो लोग चाहते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड का नंबर कोई उनका दोस्त ना देखे। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपके फोन में डायलर में जो नंबर आपने डायल किया है उसको कोई ना देख पाए, छुपाना चाहते हैं, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। और हाँ, आप लोग भूल जाते हैं पहले ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही ढांसू टिप्स है। तो दोस्तों, मैंने एक वीडियो देखा था डायलर में ऐप हाइड कैसे करते हैं। तो मैंने सोचा यार, डायलर में ऐप तो हाइड करते हैं, सही बात है, लेकिन ऐप तो किसी और माध्यम से भी हाइड हो सकता है। लेकिन अगर किसी ने मेरे फोन के डायलर को ओपन कर लिया तो मेरी गर्लफ्रेंड का नंबर पता कर सकता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को यही बताने वाला हूँ कैसे आप लोग डायलर ऐप को हाइड कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि डायलर ऐप हाइड करने के फायदे क्या है। इसको डायलर को जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर पासवर्ड आ जाता है। अब बिना आपके पासवर्ड के कोई भी आपके फोन में डायल नंबर को नहीं देख पाएगा, यानी कि आपने किसको फोन किया है वो किसी को भी पता नहीं चलेगा जब तक आप यहां पर डालेंगे नहीं। तो देखिए, मैंने यहां पर जो है एक पासवर्ड डाल रहा हूं और ये पासवर्ड डालते ही मेरे फोन का जो डायलर है वो ओपन हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग भी जो सेटिंग है उसको हाइड कर सकते हैं और इससे दोस्तों आपके फोन की जो प्राइवेसी है वो बहुत ही तगड़ी हो जाएगी। सो दोस्तों, इस डायलर ऐप को छुपाने के लिए या अपने फोन में ऐप को हाइड करने के लिए आपको किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट को या फिर जो है ऐप को डाउनलोड इंस्टॉल नहीं करना है, ये आपके फोन में ही मिल जाएगा। इसके लिए क्या करना है, आपको यहां से स्क्रॉल करना है और यहां पर ये फोन की सेटिंग है इस पर आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहां पर आपको ऊपर की साइड में स्क्रॉल करके जाएंगे तो यहां पर आपको ढूंढ लेना है कहीं भी ऐप लॉक की सेटिंग। अगर आपको यहां पर ऐप लॉक नहीं मिलता है तो आपको यहां पर एडिशनल जो सेटिंग है उसमें आपको जाकर चेक कर लेना है। यहां पर भी अगर आपके फोन में ऐप लॉक नहीं मिलता है तो सबसे आसान तरीका यह है कि आपको सेटिंग में ही सबसे ऊपर किसी भी एंड्रॉइड फोन में या फिर आपको वीवो रियलमी में आपको यहां पर सेटिंग मिल जाता है, सैमसंग में भी सेटिंग मिल जाता है। आपको यहां पर जाकर सर्च कर लेना है ऐप एंड यहां पर लॉक। जैसे आप यहां पर टाइप करेंगे ऐप लॉक तो यहां पर सबसे ऊपर सेटिंग में ऐप लॉक एप्स एंड ऐप लॉक का यहां पर विकल्प सामने दिखाई देता है। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे तो यहां पर ऐप लॉक ऐप ओपन हो जाएगा। प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी विद ऐप लॉक यहां पर इस तरह से लिखा हुआ आएगा, इसको सिंपली टर्न ऑन पर क्लिक कर देना है। और यहां पर बोल रहा है कि ऐप लॉक को अगर आप चाहते हैं तो लॉक कर सकते हैं। अब बिना लॉक किए तो कोई भी हमारे ऐप को देख सकता है, जैसे कि मैं बताना चाहता हूं कि डायलर ऐप को जो है कैसे आप लोग जो है लॉक कर सकते हैं। तो देखिए, यहां पर ऐप लॉक है, इसमें ये बोल रहा है कि कनेक्ट एटलीस्ट 4 डॉट। यहां पर आप जो है पैटर्न लगा सकते हैं। यहां पर चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहां पर पैटर्न, पिन, पासवर्ड कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो मैंने वहां पर लगाया था पिन, ठीक है, तो मैं यहां पर पिन लगाता हूं। मैं चाहूं तो यहां पर पासवर्ड लगा सकता हूं, आप चाहें तो जो भी लगा सकते हैं। पिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे और यहां पर आ जाता है एंटर पासवर्ड। यहां पर जो भी पासवर्ड है आपको यहां पर टाइप कर देना, जो भी आप चाहते हैं पिन तो यहां पर लगा सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैंने यहां पर जो है कुछ टाइप कर दिया, फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे और यहां पर फिर से पिन डाल देंगे जो भी हम चाहते हैं, नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद से दोस्तों यहां पर ऐप लॉक ऐप ओपन हो जाएगा और यहां पर आपको सभी ऐप जिसको भी आप ऐप लॉक में डालना चाहते हैं और हाइड करना चाहते हैं उन सभी ऐप को यहां पर कर देना है यूज ऐप लॉक पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो टर्न ऑन फिंगरप्रिंट अनलॉक वेरीफाई योर फिंगरप्रिंट, तो यहां पर आपको फिंगरप्रिंट लगाना है। अगर आपके फोन में फिंगरप्रिंट नहीं है तो आपको यहां पर पिन डाल देना होगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने फिंगरप्रिंट से वेरीफाई कर लिया है। अब यहां पर ऐप लॉक जो है ओपन हो चुका है। अब यहां पर जितने भी ऐप यहां पर देख सकते हैं ये सभी लॉक हो जाएंगे, ठीक है। यहां पर देखिए फोन का ये जो फोन ऐप है इसको भी मैंने लॉक कर दिया है। अब क्या करना पड़ेगा, अब कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिंपली हमें जो है यहां से मैं हटा देता हूं, फोन को मैं लॉक करता हूं, लॉक करके ओपन करता हूं और उसके बाद से देखते हैं हमारा जो है डायल ऐप में क्या होता है। सिंपली मैं इसको ओपन करता हूं एंड फोन को ओपन करता हूं तो यहां पर देखिए एक मतलब प्रोटेक्टिव हो गया है, एक तरह से यहां पर प्राइवेसी हो गई है। यहां पर मेरा जो फोन है, फोन का ऐप है, इसमें जो मैंने पासवर्ड लगाया था उस तरह से मतलब सिक्योर हो गया है। अब सिंपली मान लीजिए इसमें मैं नंबर डालता हूं ऐसे, तब जाकर ये ओपन होता है। इस तरीके से दोस्तों कोई भी मेरे फोन में मेरे जीएफ का, मेरी फैमिली का नंबर नहीं चुरा सकता, चाहे मैं उसको दे दूं यूज करने के लिए। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग डायलर ऐप को हाइड कर सकते हैं, छुपा सकते हैं, पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं और इससे आपके फोन की सुरक्षा भी हो जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। इस तरह के वीडियो के लिए आप रामजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।